Very good morning, all. All of you, open your notebook. Okay. Good morning. And today I am going to give you some questions of geography. That is your revision for annual chapters. So you have to open your notebook and write down. Yes, ma'am. Yes. Your question number one is, ma'am, we have to send answers ma'am on WhatsApp. Yes, if you have completed, you can share it on Teams. Otherwise, share it on ma'am, WhatsApp. SSC 15 to 14 of 18. Yes. हाँ बेटा बोलिए. आई एम गिविंग यू क्वेश्चंस. इज देयर एनी क्वेरीज फ्रॉम योर साइड? कोई क्वेश्चंस है आपके? मैम, क्वेश्चन है वो 40 मार्क्स के होंगे या फिर 80 मार्क्स के? 40 मार्क्स है. इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 80. मैम, बट टुडे सर सेड दैट इट विल बी ऑफ 80 मार्क्स. ओके, आई विल गो थ्रू दैट इंफॉर्मेशन एंड आई विल टेल यू होल थिंग. मैं आपको हर चीज बता दूंगी. पहले मैं भी एक बार उसको एक बार अच्छे से देख लूँ. अभी आप लिखो पेज नंबर, आपका ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का इंडस्ट्रीज चैप्टर का पेज नंबर 60. पेज नंबर 60 में लेट्स डू वाला जो क्वेश्चन है, ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया. नो, क्वेश्चन नंबर 2 जो है बेटा, लेट्स डू पेज नंबर 60 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का जो आपका क्वेश्चन है, तो ये तो वर्ल्ड मैप का है. वर्ल्ड मैप पे यू हैव टू लोकेट द प्लेसेस विच प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ ओसाका. जो ओसाका की कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, वहां पे रॉ मटेरियल प्रोवाइड. ओके, जस्ट नोटेड द क्वेश्चन. आप वो क्वेश्चन नोट करिए जो मैं आपको दे रही हूँ. लिखिए, राइट डाउन. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में जो डिफरेंस आप बताओगे, ये 3 पॉइंट्स में बताओगे. यू हैव टू नोट डाउन हियर इन 3 पॉइंट्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Your second question is, describe briefly. This is your second question. Describe the classification of industries on the basis of raw material. ठीक है, दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन. यू हैव टू नोट डाउन इन योर बुक नोटबुक और आप उसको अभी करके मुझे ये दिखाओगे.
क्वेश्चन नंबर थ्री इज नोट डाउन क्वेश्चन नंबर थ्री मैम मैंने आई हैव टेकन अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चंस ओके नो प्रॉब्लम आप इसको करके दिखाओगे चाहे स्क्रीनशॉट लेके करो चाहे लिख के करो जैसे भी करो क्वेश्चन नंबर थ्री लिखो बेटा व्हाट इज एन इंडस्ट्रियल रीजन आई एम नोटिंग हियर This is your question number three. What is an industrial region? Name some industrial regions of India. And your next question is, ये बहुत छोटा सा question है. What do you mean by sunrise industry? Question number four, I am noting here. Sunrise industry. This is your question number four. And last question is, this is from the next chapter. Ma'am. Yes. Ma'am, in exam, you will ask questions from between the chapters. Yes. What is population pyramid? Last question is question number 5. बेटा ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको जो भी क्वेश्चंस दे रही हूँ यू हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली बेटा क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके पेपर में व्हाट इज पॉपुलेशन पिरामिड व्हाट इज व्हाट राइट इट्स इम्पोर्टेंस दो क्वेश्चन है इसमें एंड थर्ड इज ड्रॉ अ पॉपुलेशन पिरामिड ये तीनों क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 में है अब आप इन क्वेश्चन आंसर को करिए और मुझे अपने नोटबुक को शेयर करिएगा अभी या तो आप यहाँ करें टेंस पर करें या फिर मैं आपके ये नोटबुक जो है मैं आपका चेक करूँगी कहाँ व्हाट्सएप क्लास में एंड रिमेंबर वन थिंग आई एम मार्किंग द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स दोज हु आर सबमिटिंग देयर नोटबुक देयर वर्क एज यू नो दैट यू आर गिविंग योर एग्जाम ऑन ऑफलाइन मोड फ्रॉम इन दिस स्कूल ठीक है तो आप बहुत जल्द स्कूल में आने वाले हैं और फटाफट इन आंसर को कर डालिए ठीक है मेंबर डी का कंसेंट लेटर इज रिलेट वी हैव टू रीएमबर्स चॉइस ऑफ गिविंग एग्जाम ऑनलाइन और ऑफलाइन यस ऑफ कोर्स यू हैव टू चैट यू हैव टू चॉइस बट आपके पास एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी अभी एक मौका मिल गया है कि आप ऑफलाइन आके अपना एग्जाम दे सकते हैं ये उन बच्चों के लिए है जो ऑनलाइन बच्चे ऑफलाइन नहीं दे सकते हैं वही बच्चे ऑनलाइन देंगे
बाकी सारे बच्चे ऑफलाइन ही देंगे अपने पेरेंट्स कंसेंट से, ठीक है। तो ये है आपका ओवरऑल, आप इन आंसर को फटाफट करो, क्वेश्चंस को सॉल्व करो, मैं आपका अभी चेक करती हूँ। आई होप कि आप 25-25 मिनट में आप ये पूरा कर लोगे 5 questions, ठीक है। पॉइंट्स में करिए अपने सारे आंसर्स को, बहुत ही क्लियर हो जाइए अपने कॉन्सेप्ट को लेके, और करके दिखाइए।